हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की याद में हर साल महल की रस्म को अदा किया जाता है। लोंगिया क्षेत्र में भी बड़ी धूम धाम से पुलिस जाब्ते के साथ विशाल मेहंदी का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस लोंगिया से शुरू हुआ जो लोंगिया चौक ताली की चक्की कांच फैक्ट्री दहली गेट धान मंडी दरगाह बाजार हो तो वहाँ दरगाह पहुँचे जहाँ मकबरे में रखे बड़े ताजी शरीफ पर मेहंदी की रस्म को अदा की गई। हर साल की भांति इस साल भी लोंगिया क्षेत्र में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मेहंदी की रस्म को अदा की गई। इससे पहले मेहंदी की रस्म अदा करने से पहले सभी की दस्तारबंदी की गई। वहीं और भारी जाब्ता भी यहां पर तैनात किया गया। लोंगिया का मेहंदी का जुलूस रात 10 बजे शुरू हुआ। मुर्शुखानी के साथ सलाम पढ़ते हुए लोंगिया बर्थ से लाली की चक्की दरगेट होता हो दरगाह बाजार धान मंडी होता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा जहाँ ख्वाजा फरीद नाथ की मकबरे में रखे बड़े ताजी शरीफ पर मेहंदी की रस्म को अदा की गई। हजरत इमाम हुसैन की याद में निकाले जाने वाले ताजी बड़े गमजदा हैं। यहाँ पर हर कोई हुसैनी रंग में डूबा हुआ है। एक तारीख से लेकर 10 तारीख तक बोरहम का दौर चलता है। मशखानी होती है और कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की याद में मेहंदी का एक जुलूस निकलता है। विभिन्न जगहों से मेहंदी के जुलूस निकाले जाते हैं और ये सभी जुलूस दरगाह पहुँचते हैं। देर रात मगरिब की नमाज के बाद मेहंदी का जुलूस शुरू हो जाता है। देर रात तक ये जुलूस चलता रहता है। आप देख सकते हैं अजमेर के लोंगिया क्षेत्र में इस बार भी काफ़ी तादाद में है जुलूस में लोगों ने शिरकत की। मेहंदी के जुलूस में जगह जगह लोगों को शरबत तबरुक बांटा गया जहां पर तबरुक लेने वालों की होड़ लगी रही। लाइसेंसधारी मेहंदी है हर साल निकलती है और सालों से लोंगिया क्षेत्र में मेहंदी की रस्म को निकाला जाता है जिसमें बच्चे बड़े बूढ़े सभी इस मेहंदी में शरीक होते हैं। देर रात तक मेहंदी का सिलसिला चलता रहता है। यानी 8 तारीख को बड़े ताइजे की सवारी दरगाह के निज़ाम गेट से शुरू होगी। यह लोंगिया क्षेत्र में इस वक्त है जो मेहंदी का जुलूस निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में है जो लोगों ने मेहंदी के जुलूस में शिरकत की। यह क्षेत्र लोंगिया का है जहाँ पर देर रात मेहंदी का जुलूस निकल रहा है। जुलूस में बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग इकट्ठे हुए। हर कोई हुसैन की याद में गमजदा है। हुसैन के चाहने वाले
मेहंदी की रस्म को अदा करने के लिए विभिन्न मोहल्लों से आते हैं और हज़रत ख्वाजा गरीबनाथ की बारगाह में रखे बड़े ताजे शरीफ पर इस मेहंदी की रस्म को अदा करते हैं। और देश में अमन चैन भाईचारे के लिए दुआ करते हैं। ये मेहंदी सालों से यहाँ पर मोहल्ले के निजरत से निकाली जाती है और आज सालों से सभी लोग यहाँ पर शिरकत फरमाते हैं, हिंदू मुसलमान सभी मिलकर यहाँ पर सहयोग करते हैं। प्रशासन भी बहुत सहयोग करता है हम लोगों का और यहाँ से कोई भी ऐसी कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं। सरकार इनकी मेहंदी के बारगाह इलाही में इमाम अली मकाम की बारगाह इलाही में बड़े ताई शरीफ पर जाएगी, दरगाह शरीफ के अंदर ये मेहंदी यहाँ जलूस के रूप में, जैसे ये सब यकीदत बन जमा हुए हैं, ये सब यकीदत बन गए, जो इनके चाहने वाले हैं ये सब अपने आप आ जाते हैं और जो भी चाहने वाला है सरकार के अपना मिजबत वाला वो आता ही है। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की आज मेहंदी है, सरकार की आज मेहंदी है, आज इनकी मेहंदी चढ़ी है, आज 7 तारीख को मेहंदी का रस्म होती है, आज इनकी रस्म हुई है। ये यहाँ से जाएगी कांच फैक्ट्री होते हुए इधर से नीचे कच्चे रोड से कांच फैक्ट्री होते हुए दिल्ली गेट होते हुए धान मंडी की दरगाह बाजार, दरगाह बाजार से दरगाह शरीफ, ये वहाँ पर मेहंदी पेश की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम मजर हुसैन अब्बासी है।